हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और उसमें क्या क्या खासियत है, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो दोनों तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा, दोनों के दोनों फेज में आपके सामने रखूंगा, और लिस्टिंग पे क्या इसमें गेन हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है आगे इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है, तो आईपीओ जिस तरीके से जो ये आईपीओ जो आ रहा है, तो कंपनी का नाम है जोमेटो। तो जोमेटो जो है, आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट की चेन है एक बहुत ही अच्छी खासी। तो जितने भी आप देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर, मोस्टली जो रेस्टोरेंट हैं वो जोमेटो पर जो है लिस्टेड है। वहां से आप कोई भी अपना जो है फूड आप परचेज कर सकते हैं, आप बाई कर सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं और वो आप तक डिलीवर हो जाता है। तो जोमेटो क्या है, एक डिलीवरी का काम करती है, न्यू एज टेक्नोलॉजी की ये कंपनी है, और फाउंडर भी जो है वो भी एक न्यू एज वाले ही फाउंडर्स जो है मौजूद हैं, यंग एक लीडरशिप इस कंपनी के साथ में मौजूद है। तो आप देखेंगे साथ के साथ कंपनी जो है डिलीवरी में, फूड डिलीवरी का तो काम जो कर रही है वो तो कर ही रही है, एंड साथ के साथ फिर इन्होंने न्यूट्रिशन डिलीवरी का भी काम स्टार्ट कर दिया है। इम्यूनिटी बूस्टर, जिंक प्लस, विटामिन सी एंड डी, जिस तरीके से मार्केट में कोविड की एक प्रॉब्लम को लेके एक प्रॉब्लम्स चली हैं, तो काफ़ी टैबलेट्स भी नहीं मिल पा रही हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो ना भी मिल पाती हैं, और लोग जो है घर से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो भी एक इन्होंने जो है उसको भी कैच किया है, और काफ़ी प्रोडक्ट्स उसमें भी इन्होंने लिस्ट किए हैं। तो धीरे 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 और भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी जो है जोमेटो के अंदर एक लिस्ट करती हुई दिखेगी। पॉसिबिलिटी है कि आगे फार्मा से रिलेटेड ये और भी प्रोडक्ट्स लिस्ट करती हुई दिखे। फूड डिलीवरी का तो इन्होंने लिस्ट ऑलरेडी कर ही दिया है, और भी आगे पॉसिबिलिटी है कि इसी तरीके से कंपनी और भी चीजें अपनी इस वेबसाइट पर लिस्ट करती हुई दिख सकती है। तो आगे फ्यूचर तो बहुत सॉलिड है, फ्यूचर तो कंपनी का आगे अच्छा है, और अच्छा खासा ये कंपनी जो है काम करती हुई दिखेगी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कंपनी के साथ में, एक तो ये लॉस में रही है जब से ये जो स्टार्ट हुई है, तब से ईयर ऑन ईयर कंपनी जो है कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है, लॉस में रही है। और लॉस में रहने का एक सबसे बड़ा, एक मैं आपके सामने एक बात रखूं, जैसा मुझे लगता है कि तो कंपनी अपनी तो ब्रांडिंग कर रही है एक अच्छी खासी, ब्रांडिंग के साथ साथ ये एक अच्छा खासा ऑफ भी देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। तो डिस्काउंट में भी एक अच्छा खासा जो है एक अमाउंट कट होता है, उधर ब्रांडिंग में भी एक अमाउंट कट होता है। तो उससे क्या है कि कंपनी को जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिल पाई है, लेकिन पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से बिजनेसेस जो और जो ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का बिजनेस ऐड कर लिया, फूड डिलीवरी का ऑलरेडी है, और भी बिजनेसेस पॉसिबिलिटी है कि ये ऐड करते हुए दिखेंगे इसमें आगे। तो क्या है कि आगे एक तो ब्रांड वैल्यू एक अच्छी खासी क्रिएट होती हुई दिखेगी, और रेवेन्यू भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आता हुआ दिखेगा। तो ये भी एक अच्छी खासी बात इस कंपनी के लिए रह सकती है फिलहाल के लिए, तो लेकिन नेगेटिव में है। तो आप देख सकते हैं कहां कहां पे ये डिलीवर कर रहे हैं, अपनी जो है फूड जो डिलीवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया, आप देखेंगे एक बढ़िया एरिया ये जो है कवर कर रही है ये कंपनी। यंगेस्ट टीम मेंबर्स कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, मिस्टर दीपेंद्र गोयल, ये ही फाउंडर हैं, सीईओ हैं, आईआईटी दिल्ली से इन्होंने जो है अपना ग्रेजुएशन की है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कि जो मेंबर्स जो कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, एक यंग और एक एनर्जेटिक जो मेंबर्स हैं कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं जोमेटो के साथ। तो जोमेटो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स कंपनी का ये जो है आगे एक न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी जो है आगे एक बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई दिख सकती है। जोमेटो प्लेटफॉर्म्स एक फूड डिलीवरी का जो है काम कर रही है, साथ के साथ बिजनेस टू बिजनेस भी काम कर रही है, फार्म टू फॉक सप्लाईज भी कर रही है हाइपरमार्केट्स में, एंड जिस तरीके से अभी मैंने आपके सामने जो रखा कंपनी एक साथ के साथ जो है न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट भी जो है वो भी डिलीवर कर रही है। तो आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ये और परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर करेगी, और भी काफी मुझे लगता है कि ये बिजनेसेस और इसमें ऐड करती हुई दिख सकती है, और उससे भी एक रेवेन्यू अच्छा खासा ही जनरेट करती हुई कंपनी ये दिखेगी। 123 करोड़ का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास में मौजूद है, 1 रुपए की पर इक्विटी शेयर पर कंपनी की जो है फेस वैल्यू रहेगी। इशू साइज जो है आप देखेंगे तो करीब करीब इशू साइज करीब करीब आप देखेंगे तो 9,500 करोड़ का एक इशू साइज है, और एक लॉट में करीब आपको 195 शेयर मिलेंगे। इशू प्राइस अगर आप देखेंगे पर शेयर का 72 से 76 रुपए, तो ये एक इशू प्राइस को देखते हुए जो है याद आता है मेरे को बर्गर किंग।
तो बर्गर किंग का जब शेयर का जो इशू प्राइस था वो था 60 रुपीज, और आप देखेंगे वो शेयर करीब 100+ पे लिस्ट हुआ था। पॉसिबिलिटी है क्योंकि जोमेटो को लोग जानते हैं, जोमेटो की कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं काफी अच्छा खासा, ये मुझे लगता है आगे एक अच्छा खासा इसमें सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद में, और 14th को ये ओपन हो जाएगा, तो 14th के बाद में आप इस आईपीओ में बाई कर पाएंगे, अपना एक लॉट ले पाएंगे, और इसकी क्लोजिंग जो हो जाएगी वो 16th जुलाई को हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले और आगे ये एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी दिखाता हुआ नजर आए, 100+ का लिस्टिंग गेन जो है ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पे ये शेयर लिस्ट हो रहा है, तो इसमें मैक्सिमम गेन तो बन सकता है। मैक्सिमम गेन अगर मैं आपके सामने रखूं तो करीब करीब पॉसिबिलिटी है कि 40-60% का इसमें एक गेन देखने को मिल सकता है लिस्टिंग प्राइस पे, लेकिन रिस्की है। रिस्की ये है जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बर्गर किंग में जो एक रिस्क देखने को मिला, शेयर काफी ऊपर तक भी गया और ऊपर से तक जाने के बाद में शेयर में डाउनफॉल भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। तो अगर लेकिन आपको अगर परफॉर्मेंस अगर इस आपको एक जो है आईपीओ पे अगर आपको इसमें पैसा लगाना है और आपको थोड़ा ये है कि 30-40% अगर आपको बनाना है तो उसके लिहाज से तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि पैसा जरूर बनेगा, लिस्टिंग गेन पे जरूर इसमें पैसा बनने की गुंजाइश जरूर है जिस तरीके से जो इशू प्राइस है, और एक लॉट आप खरीद के चल सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने पोर्टफोलियो में अगर रखना चाहते हैं तो आप एक लॉट यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, और उसके बाद में कुछ और नीचे जब शेयर अगर नीचे जाता हुआ दिखे तो वहां भी आप इसको एवरेज कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव आ पाएंगे। और मैं आपके सामने कुछ इनके फाइनेंसेस रखूं तो आप देखेंगे 2018-19-20 में रेवेन्यू तो इन्होंने जो है एक जनरेट किया है, उसमें सैलरी आप देखेंगे तो सैलरी और अदर एक्सपेंसेस ने कंपनी को जो है कभी प्रॉफिट में आने नहीं दिया। तो हर जगह पे आप देखेंगे EBITDA माइनस में, ऑपरेटिंग मार्जिन माइनस में, प्रॉफिटेबिलिटी माइनस में, नेट प्रॉफिटेबिलिटी माइनस में, तो ये क्या है, EPS भी माइनस में चल रही है। तो कंपनी काफी टाइम से जो है एक माइनस में, लेकिन रेवेन्यू आप देखेंगे रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का, रेवेन्यू में बढ़त देखने को एक अच्छी खासी मिल रही है। 18-19-20 में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में बढ़त बढ़िया एक देखने को मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, मतलब कोई एक भी कोई ऐसा शेयर नहीं है जिससे इस कंपनी को जो है कंपेयर कर सकें। तो पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी में जो है आप एक अपना अगर आपको आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप आईपीओ में भी कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन में पैसा लेकिन बनेगा जरूर, 30-40-50% का इसमें पैसा बनने की एक अच्छी खासी गुंजाइश है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लिस्टिंग गेन पे ना खरीद के इसको बाद में परचेस करें तो वो भी काम आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से और मार्केट जिस तरीके से जो चल रही है, बहुत से शेयर ऐसे हैं जिनमें 10-10, 15-15, 20-20% के आपको सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं, तो बजाय आपको तुरंत इस वाले में एक अमाउंट इस वाली आईपीओ में आपको पैसा लगाने की बजाय आप उनमें डायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं। और लेकिन जिनको एक अच्छी खासी एक न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी चाहिए और एक यंग मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई कंपनी चाहिए तो वो जरूर जोमेटो में एक पैसा लगाने की कोशिश कर सकते हैं, पैसा जरूर बनेगा। मुझे लगता है कि 40-60% का चांसेस है कि ये आईपीओ जो है करीब करीब लिस्ट हो 100+ के ऊपर, तो 100+ में पॉसिबिलिटी है कि 110-115 के करीब करीब या 120 के करीब करीब पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर का जो प्राइस है वो लिस्ट होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि तो प्राइसिंग बहुत ही कम रखी है इन्होंने, 72 से 76 रुपए पर इक्विटी शेयर, तो एक अच्छी खासी इन्होंने जो है गुंजाइश छोड़ी है, और कंपनी का एक अच्छा खासा नाम बना हुआ है और लोग भरोसा भी करते हैं, बिलीव करते हैं, तो बढ़िया चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपको एक हायर लिस्टिंग गेन के लिए अगर चाहिए आईपीओ में अगर पैसा लगाना है तो आप जोमेटो में लगा सकते हैं, और अगर आपको रुक के अगर पैसा लगाना है तो वो भी काम आप कर सकते हैं। तो एक बार लिस्ट हो जाए, लिस्ट होने के बाद में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप 1-2 महीने का एक बार शेयर का प्राइसिंग देख के और शेयर का एक बार चार्ट देख के उसके बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आप एक बार अपना एनालिसिस जरूर करें उसके बाद ही आईपीओ में पैसा लगाएं। थैंक यू।